हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फोर्स। तो ये जो वीडियो है, इट्स ऑल अबाउट यूएसए वीज़ा स्लॉट्स। ठीक है, तो जो बच्चे हैं जिनको यूएस वीज़ा स्लॉट्स चाहिए और हाथ पैर मार रहे हैं कि कैसे भी करके मुझे वीज़ा स्लॉट मिल जाए, तो ये वीडियो उनके लिए है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो डेस्पिरेटली वेट कर रहे हैं कि कैसे भी स्लॉट्स मिल जाए। इसमें स्लॉट्स के बारे में बात करेंगे, इसमें ये बात करेंगे कि अगर आप बाहर से कहीं से करवा रहे हो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड बहुत सी चीज़ें जो बच्चे फेस कर रहे हैं एम्बेसी में जाके स्लॉट बुक करवाने के बाद, उसके बारे में बात करेंगे। इस समय स्लॉट्स खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे, उसके बारे में बात करेंगे। फ्यूचर क्या रहेगा वीज़ा स्लॉट्स का, क्योंकि दो नई कॉन्सुलेट्स ओपन हो रहे हैं बेंगलुरु में एंड गुजरात में, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो गाइस बिफोर आई डिस्कस एनीथिंग, कुछ चीज़ें बच्चे फेस कर रहे हैं जो बच्चे डेस्पिरेट हैं कि कैसे भी स्लॉट्स मिल जाएं कहीं से भी। हो क्या रहा है कि बच्चे, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, बच्चों को स्लॉट्स चाहिए, वो जल्दी से जल्दी वीज़ा इंटरव्यू क्लियर करके यूएसए जाना चाहते हैं, तो बच्चे एकदम सही हैं। लेकिन बच्चे ये नहीं समझ रहे कि स्लॉट्स पीछे से एम्बेसी ने ही ओपन करने हैं। होता क्या है कि बच्चों को बाहर से कोई बोलता है, कोई भी बंदा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी, कि भाई मेरे पास स्लॉट्स है, मैं तुझे दिलवा देता हूँ, मुझे इतने पैसे दे और मैं तुझे स्लॉट्स दे दूंगा। बहुत सारे बच्चों की हमें कॉल्स आई हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। एक हमारे बच्चे के साथ भी हुआ, उसको किसी ने बोला कि आई विल चार्ज यू सम मनी, 10-12 हज़ार रुपये, आई थिंक 12 हज़ार रुपये, तो मैं तुझे स्लॉट ले देता हूँ तेरे वीज़ा का। ठीक है, तो बच्चे ने उसको पे कर दिए पैसे। उसने क्या करा कि बच्चे का स्लॉट ऑलरेडी बुक था, लेकिन वो थोड़ा लेट का बुक था, उसको जल्दी से चाहिए था, उसको ये दिसंबर मंथ का ही चाहिए था क्योंकि उसकी जनवरी में क्लासेस हैं। तो बच्चे ने उसको पे कर दिए, तो वो अननोन बंदा था जिससे वो बच्चा बुक करवा रहा था। तो उसने क्या करा कि उसने उसके सिक्योरिटी क्वेश्चन जो होते हैं, जो यूएस वीज़ा स्केड्यूलिंग पोर्टल है, उसके सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज करके और बच्चे का वही जो स्लॉट बुक था, लेट वाला जो बुक था, उसकी डेट एडिट करके दिसंबर की डाल दी और बच्चे को वही पीडीएफ बना के भेज दिया और बच्चे से पैसे ले लिए। और बच्चे ने हमें भेजा चेक करने के लिए, तो वी वर सरप्राइज के यार स्लॉट्स तो ओपन हुए नहीं, क्योंकि हमारी जो टीम है मॉनिटर कर रही है, ठीक है, तो हम 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं। तो हमने देखा यार इसने कैसे बुक करवा लिया, कहाँ से करवा लिया, तो हमने बच्चे को बोला यार उसका नंबर दे जरा तूने जिससे बुक करवाया। तो इससे पहले कि हम उससे बात करते उस बंदे से, तो मैंने उसका अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन ध्यान से देखा, तो मुझे डेट ना एडिटेड सी लगी उसकी। हमने उसका लॉगिन किया जो उसका पोर्टल था, जब हमने लॉगिन करा तो वो लॉगिन हो ही नहीं पा रहा था। उसने बंदे ने क्या करा था, उसने उसके सिक्योरिटी क्वेश्चंस चेंज कर दिए थे, तो चेंज करने की वजह से वो लॉगिन ही नहीं हो पा रहा। तो फिर हमने उस बच्चे को बोला कि यार ये तेरा लॉगिन नहीं हो रहा, इसको लॉगिन करेंगे, अगर इसके अंदर तेरा स्लॉट बुक्ड है तेरे यूएस वीज़ा स्टूडेंट, तो फिर तो ये पीडीएफ जो भेजा सही है, लेकिन हमें डाउट है कि ये एडिटेड है। तो बच्चे ने फिर उस बंदे को कॉल करी, वो उसकी कॉल नहीं पिक करी, तो फिर जिसने उसको रेफर करा था उसको कॉल करी, उसने भी उसकी कॉल नहीं पिक करी। तो बच्चे का स्लॉट मतलब उसको उसने एडिट करके दे दिया था, आज तक उसकी कॉल भी नहीं पिक करी और बच्चे की सिक्योरिटी क्वेश्चन भी चेंज कर दिए, मतलब बच्चे को स्लॉट तो नहीं मिला बेचारे को, और जो उसका पोर्टल था एम्बेसी का वो भी उसके हाथ से निकल गया। ठीक है, दैट स्टोरी नंबर वन। एक दूसरी चीज़ मैं आपको थोड़ी टिप्स दूंगा कि अगर आप बाहर से करवा रहे हो तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी एक और बच्चे की मैं स्टोरी शेयर करता हूं। वो तो बेचारा एम्बेसी तक चला गया और वापस आया मुंबई से, आई थिंक बॉम्बे में था। तो उसके केस में क्या हुआ कि उसने भी कहीं से स्लॉट बुक करवाया। अभी हो क्या रहा है कि ब्लैक जो बोलते हैं जी, ब्लैक में स्लॉट मिल रहे हैं, ये वो पहले पॉसिबल था, अभी जब से एम्बेसी ने न्यू पोर्टल क्रिएट करा तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल हो चुका है उस तरीके से भी स्लॉट लेना। लेकिन बच्चे जो कि बिल्कुल ही बेसब्रे हैं, वो भरोसा कर लेते हैं किसी पर भी, कैसे भी कर दो। उस बच्चे को किसी ने स्लॉट बुक कर दिया विद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन अंदर गलत डाल दी। ही गेव हिम द कन्फर्मेशन एंड एवरीथिंग। बच्चा बेचारा अपना सब बोरिया बिस्तरा लेकर एम्बेसी में पहुंचा बायोमेट्रिक करवाने, तो उन्होंने उसे अंदर ही नहीं घुसने दिया। तो दैट्स व्हाट हैपनिंग। पहले दो चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो अब बाहर से स्लॉट्स वगैरह जो बच्चे लेते हैं या लेते थे,
उस चीज को बंद करने के लिए यूएस एम्बेसी ने नया पोर्टल बना दिया। अभी आपको पता होगा जिन बच्चों ने अप्लाई करा है, ठीक है, यूएस वीजा स्केड्यूलिंग के नाम से पहले पोर्टल ओपन होता था अल्ट्रा डॉक्स करके, अभी है यूएस वीजा स्केड्यूलिंग करके, आपको पता होगा। तो अब वो चीजें हो नहीं रही, तो जो लोग वो काम करते थे अभी वो क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, पैसे ले लिए, किसी को नकली दे दी और किसी की गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस समय एम्बेसी को खुद को नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं पता कि जो एम्बेसी ने अभी न्यू पोर्टल क्रिएट करा ना, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, जिसको चेक करे बिना ही एम्बेसी ने लॉन्च कर दिया, ठीक है। उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, किसी बच्चों ने बेचारों ने फ़ी पे करी है एम्बेसी की, बैंक में जाके उनकी फ़ी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, कई बच्चों को स्लॉट जब ओपन है दो के शो हो रहे हैं, दो को शो ही नहीं हो रहे, सेम ही बच्चे कैटेगरी के हैं, सेम ही F1 कैटेगरी हैं, सेम फ्रेश है, रिफ्यूज भी नहीं है। तो इस समय अराउंड 25 तरह के अलग अलग एरर आ रहे हैं यूएस एम्बेसी के पोर्टल में, उन्होंने बिना टेस्टिंग के ही ये पोर्टल लॉन्च कर दिया था। पहले सिर्फ एक प्रॉब्लम थी बच्चों को कि स्लॉट नहीं मिल रहा, ठीक है। लॉन्ग टर्म एम्बेसी ने जो किया सही किया, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों कैसे ये सही होगा, मैं बताऊंगा कि ये कैसे मार्केट वर्क करती थी जो ब्लैक वाले स्लॉट मिलते थे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लॉन्ग टर्म वो सही है, लेकिन इस समय बच्चों को स्लॉट नहीं मिल रहा और ऊपर से जो एरर्स हैं पोर्टल के, तरह तरह के एरर्स हैं, किसी की फी नहीं रिफ्लेक्ट हो रही, किसी के स्लॉट नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे, एंड देयर सो मेनी अदर एरर्स, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ। अभी सबसे पहले जिस एजेंट से आपने अपना पूरा प्रोसेस करवाया है, ठीक है, पहले तो मुझे लगता है कि हर एजेंट, जो भी आपका एजेंट है, वो बेचारा जरूर डेली चेक करता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आपका वीज़ा नहीं होगा, आपकी इंटरव्यू नहीं बुक होगी, वीज़ा नहीं होगा, उसकी इनकम अटकी रहेगी। एक एजेंट 200% ट्राई करता है कि बच्चे का स्लॉट जल्दी बुक हो जाए, क्योंकि उसको बेचारे को कुछ कमाई आनी है। जब आपका वीज़ा होगा, आप उसको मिठाई खिलाओगे, आप उसको स्टूडेंट रेफर करोगे, एंड यू विल पे हिज आफ्टर वीज़ा फी जो भी है। तो मुझे लगता है कि अगर स्लॉट पीछे से एम्बेसी की तरफ से ओपन है और आपके एजेंट को बुक करने आते, तो वो बेचारा बिल्कुल ज़रूर करके देगा, ठीक है। फिर भी अगर आप ज़्यादा डेस्पिरेट हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा बाहर किसी को मत दो, आप अपने एजेंट से लॉगिन्स ले लो, टेक योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ऑफ योर यूएस वीज़ा स्केड्यूलिंग पोर्टल, आप खुद चेक करो, आप खुद डेली चेक करो, ठीक है। ये सबसे जरूरी है कि आप अगर किसी से करवा रहे हो, तो आप सिर्फ पेपर ना लो, पीडीएफ ना लो, आप क्या करो, आप उससे लॉगिन वापस लो। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बेचारों के पोर्टल ही नहीं ओपन हो रहे, उन्होंने किसी को लॉगिन दे दिए थे भरोसा करके तू मेरा करवा दे बुक, उनका ना स्लॉट मिला, कई बच्चे एम्बेसी जाके वापस आए, और उनके बाद जब हम ट्राई करते हैं कि उनका पोर्टल खोलें, तो उन बंदों ने उनके सिक्योरिटी क्वेश्चन ही चेंज कर दिए, जिस वजह से हम उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे। क्योंकि पहले ये चीज़ें ईजी थी, एम्बेसी बहुत सपोर्ट करती थी, जब भी एरर आते थे उनको ईमेल डाल देते थे, तो एम्बेसी यूज़ टू हेल्प अस। अभी एम्बेसी के पोर्टल में गलतियां ही बहुत हैं, पहले सिर्फ एक इशू होता था, एम्बेसी के पास टाइम था, स्लॉट वाला इशू होता था, अभी 25 से ज़्यादा प्रॉब्लम है और उनके पास इतनी सारी इंक्वायरीज हैं, हफ्ता हफ्ता दस दस दिन तक वो रिप्लाई ही नहीं कर रहे। तो अगर आप किसी से आपने स्लॉट करवाया भी है, तो आप लॉगिन करो अपना, लॉगिन करने के बाद अपनी सारी इंफॉर्मेशन चेक करो कि ओके मेरा सर्विस नंबर सही है, मेरा DS-160 नंबर सही है, मेरा पासपोर्ट नंबर अंदर सही है, A to Z सारी चीज़ें मेरी ठीक हैं। खुद चेक करने के बाद जो आपका एजेंट है, जिसने अपना आपका पूरा प्रोसेस करा, जिसने आपकी I-20 मंगाई, ऑफर लेटर मंगाया, आपका एम्बेसी पोर्टल क्रिएट करा, उसको भी चेक करवाओ अगर आपने उससे लॉगिन लेकर बाहर से कहीं से कराया। जब आप दोनों की तसल्ली हो जाए, तो फिर आप किसी को पे करो अगर आपने बाहर से कराया। तो डेट्स माई सजेशन। अभी उस चीज पे आ जाते हैं कि क्या स्लॉट्स ओपन कब होंगे, तो मैं ये बता दूं कि स्लॉट ओपन होते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हमें लग रहा था कि अभी जनवरी इनटेक वालों के लिए तो स्लॉट्स ओपन नहीं होने, लेकिन आज दोपहर को 2 बजे स्लॉट ओपन हुए थे 6 मिनट के लिए। कितने मिनट्स के लिए? 6 मिनट्स के लिए। कौन सी लोकेशन पे? कोलकाता एंड आई थिंक एक और लोकेशन थी। 6 मिनट्स के लिए, और स्लॉट से कितने? 30-40। अभी दिक्कत क्या आ रही है? 6 मिनट के लिए स्लॉट ओपन हुए, मतलब
कि जितनी देर में आप अपना लैपटॉप ऑन करोगे, लॉगिन करने जाओगे, उतनी देर में स्लॉट हाथ से निकल जाएंगे। और दूसरा, स्लॉट कितने हैं? 40। और बच्चे बेचारे कितने वेट कर रहे होंगे? 40,000। ठीक है, तो देयर टू प्रॉब्लम्स। एक कि जब स्लॉट ओपन हो रहे हैं बहुत कम समय के लिए हो रहे हैं, अब पहले हुए थे नवंबर मंथ में काफ़ी लंबे समय के लिए, काफ़ी बल्क स्लॉट ओपन हुए थे, इस समय जब भी हो रहे हैं कम टाइम के लिए हो रहे हैं एंड बहुत कम नंबर्स में हो रहे हैं। ठीक है, तो एक ही सोल्यूशन है इसका, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप किसी को भी बार बार पूछो, कॉल करो, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि स्लॉट इस समय कोई ब्लैक बुक में नहीं है। आज की मैं डेट की बात करूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, हमारे भी कनेक्शंस थे, उनके भी इस समय हाथ खड़े हैं। नया पोर्टल आने के बाद इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्लॉट्स फ्रॉम एनी अदर वे। द ओनली वे इज टू मॉनिटर योर वीजा स्केड्यूलिंग पोर्टल एवरी डे योर सेल्फ। ठीक है, अगर आपको अपने एजेंट पे भरोसा है कि जब भी ओपन होंगे वो मेरा बुक कर देगा, ठीक है, लेकिन अगर साथ साथ आप भी डेस्परेट हो, अपना पासवर्ड वगैरह लेके आप खुद चेक करो डेली, तो दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। एंड देयर इज अ गुड न्यूज एज वेल। गुड न्यूज ये है कि स्लॉट्स अभी ज़्यादा ओपन बच्चों को मिला करेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब भी बल्क स्लॉट्स ओपन होते थे, सारे के सारे स्लॉट ऑलमोस्ट वो लोग उठा लेते थे ब्लैक में जो बेचते हैं, जो वो लोग उठा लेते थे तो बच्चों को फिर नॉर्मल मिलते नहीं थे, उनको पे करना पड़ता था बाहर लोगों को, तो बच्चों को बाय करने पड़ते थे ब्लैक में। अभी एम्बेसी ने जब से न्यू पोर्टल क्रिएट करा है और पुराना वाला बंद करा है, तो वो बल्क में बाय नहीं कर पा रहे, उठा नहीं पा रहे ब्लैक वाले। इस समय बच्चों को दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं क्योंकि नया पोर्टल है, लेकिन फ्यूचर में जब ये एम्बेसी का पोर्टल सही हो जाएगा, इसमें दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, आराम से स्लॉट्स मिला करेंगे। दूसरा कारण ये है कि जो दो नए कॉन्सुलेट्स ओपन हो रहे हैं, आई थिंक बेंगलुरु में और गुजरात में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दो नए स्लॉट, मतलब पहले 5 कॉन्सुलेट थे हमारे इंडिया में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद, अभी 2 और हो जाएंगे, 7, मतलब ज़्यादा क्षमता हो जाएगी एम्बेसी की आपकी इंटरव्यूज करने की। तो आने वाले टाइम में देयर वेरी गुड चांसेस कि आपको स्लॉट्स के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। दूसरा, अगर किसी भी बच्चे का जनवरी इनटेक है और वो अभी भी स्लॉट्स की वेट कर रहा है, तो अभी वी आर ऑलमोस्ट एंटरिंग इन द न्यू ईयर, तो मुझे लगता है कि आप एक गलती बिल्कुल मत करो, समझदार बनो और ये समझो कि मेरे बैठने से स्लॉट नहीं बुक हो जाना, अगर एम्बेसी ओपन ही नहीं करेगी तो कोई नहीं करके दे सकता। तो अभी एक्शन क्या है, कर क्या सकते हो आप? सबसे पहले अपने एजेंट को बोलो कि भैया ये मेरी I-20 डेफर करा दे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन होती है कि यूनिवर्सिटी कहती है कि हमें बता दो कि आपकी I-20 एक्सपायर होने वाली है, हमें बता दो कि अगले इनटेक की करें कि नहीं करें। होता क्या है, बच्चे लास्ट डे तक वेट करते हैं स्लॉट मिलने की। मान लो जनवरी 12 की क्लासेस है, तो बच्चा जनवरी 10 तक वेट करता है कि स्लॉट मिल जाए, और फिर वो यूनिवर्सिटी को बोलता जी मेरा डेफर कर दो, यूनिवर्सिटी बोलती बेटा अब तो डेडलाइन चली गई। ठीक है, तो आप मेक श्योर करो, अपने एजेंट से बात करो कि भैया मेरी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन देख लो, ये ना हो कि अगला इनटेक भी मुझे ना मिले। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर करो। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं आपको इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि स्लॉट्स जेन्युइनली जब एम्बेसी ओपन करेगी तो आपको तब ही मिलने हैं। इस समय किसी को भी बाहर कोई भी पैसा मत दो, खुद चेक करो, आपका एजेंट भी चेक कर रहा होगा आई एम श्योर, क्योंकि उसने भी मेहनत करी है, शुरू से लेके ऑफर मंगवाया, I-20 मंगाई, एम्बेसी फी पे करवाने में, ABC सारा काम उसने करा, तो आई एम श्योर वो आपसे भी ज़्यादा डेस्परेट होगा और हेल्पलेस होगा, क्योंकि एम्बेसी में पीछे स्लॉट्स ओपन नहीं हैं, और अगर हो रहे हैं तो वो छोटी छोटी किस्तों में हो रहे हैं। होपफुली स्लॉट एक ऐसी चीज़ है कि हो सकता है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस समय ही ओपन हो जाएं, जैसे हमें नहीं पता था आज जैसे 2 बजे ओपन हुए थे, तो ये किसी भी समय ओपन हो सकते हैं। द ओनली सोल्यूशन इज यू चेक यूर सेल्फ, ट्रैक यूर सेल्फ। इस समय किसी को अपने लॉगिन्स मत दो, अगर दे रहे हो तो बहुत भरोसे वाले रेफरेंस से ही दो, ऐसे मत दो। सो दैट्स इट, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड होपफुली आपके लिए अगला साल अच्छा है, आपको जल्दी से स्लॉट्स मिले, एंड जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे थ्रू कराए उनको स्लॉट नहीं मिल रहे, तो
आप भरोसा रखो, वी आर मॉनिटरिंग द स्लॉट्स, जैसे ही ओपन होंगे आपको एक कॉल करने की जरूरत नहीं है, हम खुद बुक करके उसी समय आपको अपडेट करेंगे, दैट इज समथिंग आई कैन अश्योर। ठीक है, इसके अलावा इफ़ यू नीड एनी अदर असिस्टेंस रिगार्डिंग योर प्रोफाइल यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर मेंशन बिलो। नेक्स्ट इनटेक इज ओपन एंड मैं एक चीज़ और बताऊंगा, अगला इनटेक बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करने वाले, क्योंकि एम्बेसी ने अनाउंस करा कि इस साल से ज़्यादा भी अगले साल वीज़ा अप्रूव करने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, तो अगर आपको एडमिशन चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में और टाइम पे अपना स्लॉट बुक करके रखना चाहते हो, जल्दी अप्लाई करो। ठीक है, दैट्स इट, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।